नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हमने स्टार्ट किया हुआ है पीएसयू कंपनी के बारे में, और पीएसयू में हमने बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें से हमने दो पे ऑलरेडी स्टडी किया है, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पे। ये तीसरा मेरा स्टडी है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। इसकी जो चार्ट हम देख रहे हैं, तो चार्ट में क्या लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे सभी के सभी स्टॉक्स ने जो कि एक ओवर वेटेज से जो कम हुआ था प्राइस, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा एवरेज बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, अर्थात ये वहीं पहुंचने के आसपास में कामकाज करती नजर आ रही है। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवाइज भी चल सकता है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आए थे, क्योंकि ये इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर ही ऐसा डिपेंड किया था, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी सी डाउनफॉल आई थी। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के, उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट, उसके हिसाब से पार्टी ने नहीं किया परफॉर्मेंस, और लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर गई, और उससे पहले काफ़ी सारा रिकमेंडेशन ये सारी चीज़ें आई थी। अभी फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है कि स्टॉक में थोड़ा सा जो है वो एवरेज आगे चलने के प्रयास में लगा हुआ है। चलते हैं, पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं। और कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेम एज द बाकी बैंकिंग की तरह ही कामकाज करती है। जैसे इसमें ढेर सारी चीज़ें चलती है, जिसमें कि अभी देखने को मिल रही है वेबसाइट्स के ऊपर, पीएम सूर्या घर, बिजली सब्सिडी वगैरह कुछ मिलती है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शंस, और ये बैंकिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो निकल के आती है इस के बारे में, जहाँ पे आपके पास हो सकती है अकाउंट्स भी हों, आपके एफडी और कार लोन वगैरह चल रहे होंगे कुछ भी। इस कंपनी के बारे में देखूं तो कहती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एंगेज इन द प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस। द बैंक सेगमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेजरी, कॉरपोरेट, होलसेल्स बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, जो कि इसके वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जो कि ये सब सारा काम करती है, जिसमें आप देखेंगे वो पर्सनल, फाइनेंशियल, कॉरपोरेट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, एनआरआई और ट्रेजरी का काम भी बैंक देखती है। इसके ऊपर ऑफिस अच्छा खासा ऑफर देखने को मिलता है, तो मैं कोई प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ। अभी जब मैं ओपन किया था थोड़े से इसका पॉजिटिव था, दोबारा ये नेगेटिव, तो ये मार्केट की ट्रेंडिंग के हिसाब से चलती रहती है, थोड़ा सा डाउनफॉल होगा, थोड़ा सा चढ़ रहेगा, लेकिन जितना जिस लेवल से मार्केट गिरा था उतना तो बिल्कुल आना ही है, लेकिन ये आना का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये अभी हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में फिर वहाँ पे मार्केट आके खड़ी होगी। मार्केट इसी के आसपास इसमें कामकाज किया था, ऐसा नहीं कि मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म के लिए कामकाज किया था, और ये इसमें देखने को आती है। जबकि इसका एवरेज प्राइस जो था उससे नीचे भी नहीं गया था, इसका एवरेज प्राइस देखिए इसे इसके आसपास ही रही थी, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं गई थी ये स्टॉक्स। चलते हैं आगे समझते हैं कंपनी के बारे में, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में हम समझ रहे थे, जहाँ पे 52 की आई की बात करें तो करीब 73 के आसपास निकल के आती है, और लो की बात करेंगे तो करीब 26 के आसपास, मतलब ये कहा जा सकता है कि ऊपर से थोड़ी सी गिरते हुए स्टॉक्स में थोड़ा सा भी जान यहाँ पे एवरेज के आसपास निकल के आती है, जहाँ पे एक टॉप से लेकर के थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और बिकवाली के बाद तो आप भी बिकवाली करते हैं, कोई भी बिकवाली के बाद तो इसमें निकल के आती है प्रॉफिट का पार्ट, जो तो बैंक में ट्रांसफर होता है। पीई की बात करें तो 11 के आसपास, पीबी की बात करोगे तो 2.38 के आसपास, और आरओई निकल के आता है यहाँ पे करीब 20-21 के आसपास। और इसके लिए हमने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर के पीएसयू पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बैंक के अंदर ये 500 इंडेक्सेशन के अंदर बीएससी के ऊपर आती है, और हम मैक्सिमम स्टडी बीएससी के ऊपर करते हैं कि हमें बीएससी का कुछ फीचर्स अच्छे लगते हैं, एनएससी के कुछ फीचर्स अच्छे लगते हैं, कुछ स्टॉक्स के लिए हम एनएससी पे जाते हैं जहाँ पर यहाँ इसका इन्फॉर्मेशन हमें उस लेवल से नहीं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल पाता है। चलते हैं आगे, और आगे समझते हैं कंपनी का, जो कि एक ट्रेंडिंग के चार्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पे ट्रेंडिंग फिलहाल एक दिन के ट्रेंडिंग में आपको पता है अभी थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रही है, हल्के फुल्के बिकवाली का प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल यदि पूरे मार्केट को 1 साल के डेटा को कंपेयर करके देखा जाए तो मार्केट ने अच्छी खासी जंप लिया है, और जंप भी खच्चा खासा, मतलब 60 डिग्री के आसपास का डेम जंप था, फिर एवरेज वैल्यू के साथ, और उसके बाद भी एवरेज वैल्यू के आसपास ही मार्केट कामकाज करती नजर आ रही है, उसमें बड़ी डाउनफॉल नहीं हुई थी मार्केट रिएक्शन के बाद भी। इसे ऐसे ही 5 दिन के चार्ट में देखने को मिला, जहाँ अच्छी खासी गिरावट थी, और उस जहाँ पे सभी के सभी स्टॉक ने रिकवर किया था, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट उस दिन जो 5% गिरावट थी, तो ये यही एक डाउनफॉल थी। 1 महीने चार्ट देखें तो इसमें एक अच्छे से पुल बैक आई थी, और ये पुल बैक क्यों आया था, क्योंकि आपको पता है ये रिकमेंडेशन भेजा गया था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप स्टॉक को खरीदो और इसके बाद मार्केट अपर होगा, तो ये आप इसमें टेक्निकल था या एक सेंटिमेंटल था, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं।
क्योंकि मार्केट इसी अकॉर्डिंग ही कामकाज करती है। और हमेशा कहते हैं ना, किसी बहती जल में ही हाथ धोना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ट्रेंडिंग जो कहता है, आप उसको रोकने के प्रयास ना करें कभी भी, क्योंकि रोकने के प्रयास में हो सकता है आपका नुकसान हो। चलते हैं आगे, आगे स्टेप में समझते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट में देख रहे हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी कंप्लायंस कंपनी ने फाइल किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और कॉर्पोरेट एक्शन हिसाब से देखा है तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, हमेशा डिविडेंड देती है और गवर्नमेंट को भी डिविडेंड का पार्ट मिलता है। इसी क्रम में देखा है तो 24 के अंदर भी अभी डिविडेंड 10/5 को डिविडेंड का एक्स डेट है, और ये करीब 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड देने वाली है। ये हमेशा मई में और जून, ये मई में डिविडेंड दे चुकी है, ये मई और जून में डिविडेंड देती है। अब रिजल्ट की बात को बात करूँ तो ये कंपनी की कंपनी ये बैंक की केवल अपनी बैलेंस शीट अपनी अपनी की है। इसमें हम यदि किसी सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर को ऐड करेंगे तो वो हम एक कंसोलिडेटेड डेटा निकाल के लाएंगे। यहाँ पे देखने को आती है जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा किया है, जबकि देखने को मिलती है कि नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा, 200 करोड़ से ज़्यादा का इंक्रीमेंट किया है, रिवेन्यू भी इंक्रीज किया, मतलब दोनों तरफ से कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नज़र आती है। यहाँ पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो कामकाज करती नज़र आ रही है। इसी क्रम को देखें तो हमारे पास ये निकल के आती है जो कंपनी का बुक वैल्यू निकल के आती है, करीब करीब बुक वैल्यू 28 रुपये के आसपास और मार्केट प्राइस चल रही है 66 के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग है, हमने पहले कहा था डिविडेंड यील्ड्स वाली कंपनी है। और इसकी दूसरी तरफ की बात करें तो ये निकल के आती है, जो हम कंसोलिडेटेड डेटा को एक बेस लेके चले, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप केवल उसकी खुद की अर्निंग को मान ना देकर के उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनकी भी अर्निंग को एक आकलन करना चाहिए। उस आकलन के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा कहती है जो नियरली 5400 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू मॉडल रहा, और ये मैं इसको कह सकता हूँ 2021 से लेकर के अभी तक के डेटा बेसिस में, जो 24 का डेटा है क्वार्टरली बेसिस का, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आते, क्योंकि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 5400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकल के आया है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फाइनेंशियल्स मार्जिन की बात हो तो मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है पहले क्वार्टर से, लेकिन ऑन एवरेज 4% के आसपास रही है। और सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में भी कंपेयर करके देखें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले, अरे 1230 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जो कि पहले कभी इस तरह के लेवल्स देखने को नहीं मिला। मतलब ये दोनों तरफ कह सकते हैं, यदि इसका रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है उसी बेसिस पे इसका सेल्स इंक्रीज कर रहा है, क्वार्टर भी क्वार्टर के हिसाब से और टॉप ऑफ द क्वार्टर अभी तक का रहा है। इसी को ईयरली बेसिस को डेटा को बेस लेके चले तो ईयरली बेसिस में भी देखा जा सकता है जो कंपनी का जो 24 तक का जो बैलेंस शीट है उसमें रिवेन्यू का मॉडल जो है वो करीब 20,500 करोड़ तक आसपास पहुंचा, जो कि इससे पहले देखा जाए तो इतना कभी नहीं हुआ था। और जो पिछले साल की डेटा है करीब 15,800 करोड़ 900 करोड़ के आसपास, उससे देखा जाए तो करीब करीब कितना के वाई हिसाब से फर्क पड़ रहा है, करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिवेन्यू मॉडल चेंज होता है। तो 5,000 करोड़ का रिवेन्यू आना बड़ी बात होती है, तो इस हिसाब से यह यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा करता नजर आता है। जबकि इसके प्रॉफिट को पार्ट देखें तो प्रॉफिट के पार्ट में करीब 4,000 करोड़ के आसपास निकल के आता है, जो कि कंपनी कभी किसी जमाने में ये बैंक जो है 4,000-5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान में चल रही थी, और वहाँ पे कंपनी ने फिलहाल 4-5 सालों से कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, करीब 4,000 करोड़ से ऊपर की नेट प्रॉफिट में जनरेट करती नजर आती है। यहाँ पे कंपाउंड सेल की ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल्स यहाँ पे अच्छी खासी जंप करती जा रही है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी अच्छा खासा जंप किया है, करीब 92% 23% के आसपास। स्टॉक प्राइस की सीएजीआर के हिसाब से देखा जाए तो ये फिलहाल 1 साल में 117% के आसपास जंप करता है इसके डेटा बेसिस पे। इक्विटी एंड रिटर्न की बात करें तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है फिलहाल कुछ पीरियड के अंदर, और ये एक अच्छा संकेत देता है फंडामेंटली जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिल्डअप ईयर बाय ईयर होता जा रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग निकल के आती है करीब 86% के जो पोजीशंस हैं वो निकल के आती है प्रमोटर के पास, और केवल 14% के आसपास पोजीशन है आउ है निकल के आती है जो कि आम पब्लिक में है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स आपको पता है, प्रमोटर्स हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके प्रमोटर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एफआई की बात करूँ तो एफआई यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी हल्का बिल्डअप किया था यहाँ पे, लेकिन अभी जो पेनिक हुआ था उसमें हो सकता है बिकवाली किया हो, लेकिन उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है।
एफआई के बाद की बात करूँ, दूसरी तरफ डीआई की बात करूँ, डीआई अपना पोजिशन सेम एज उतना ही रखा हुआ है, जिसमें कि बड़ी भूमिका में एलआईसी की पोजिशन है जो कि 4 पॉइंट के से आसपास नजर आती है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 7% की होल्डिंग है, 7.5 8 मान लेते हैं, उसमें से कम्प्लीटली 1% से नीचे की पोजिशन में कामकाज करती नजर आ रही है। और यहाँ पे जो 1% से नीचे वाला एक ट्रेडिंग भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट हो सकते हैं। इसी चीज़ में देखें, एक चीज़ मैं और डेटा को लेके आऊँ कि पे कितने सारे जो डेटा होती है वो भी हम अगले वाले देखेंगे, जो कितनी सारी नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो किसके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ भी प्लेजिंग नहीं किया, क्योंकि प्रमोटर ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट क्या प्लेज करेगी। अब इस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, ये मैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कहता हूँ, क्योंकि ये कंपेरेटिव करने के लिए, जो अभी मार्केट इतनी गिरने के बाद भी और थोड़ी सी चढ़ती है, तो एज ऑन डेट की बेसिस पे जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या निकल के आती है, यदि हम इसको किसी सर्टेन पीरियड से देखा जाए, तो आज तक के डेटा में यदि 1 साल तक की परफॉर्मेंस को देखने को नजर आती है, 1 साल के परफॉर्मेंस में क्या हमारे परफॉर्मेंस स्टॉक की क्या नज़र आती है, उसमें नज़र आती है जो 10 सालों में नेक्स्ट 10 साल पहले की डेटा जो था उसमें अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखता है आज के टाइम में, अभी के टाइम में। लेकिन 5 सालों में 318%, 3 सालों में करीब 130%, 2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस 300% के आसपास, और इतनी मार्केट गिरने के बाद भी 1 साल में 115% की जंप हो चुकी है, जबकि मार्केट में करीब करीब 8-10%, मुझे लगता है 10% 12% के आसपास डाउनफॉल आई थी उस पीरियड के हिसाब से, अभी भी डाउनफॉल देखने को मिलती है। यदि हफ्ते दिन के डेटा देखूँ तो पता चलेगा, 6 महीने के डेटा में करीब 43-44% के आसपास जंप हो रखा है अभी भी, और जो हमने कहा था कि हफ्ते दिन के अंदर अभी भी देखने को मिलती है, जबकि अभी भी एक हफ्ते के जो डेटा है इस हफ्ते की, उसमें करीब 4.5% के आसपास नीचे गिरावट अभी भी बनी हुई है, और 2 सप्ताह में भी 3% के आसपास बना के रखी है, जबकि सेंसेक्स भी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, क्योंकि रीजन ये था जो मार्केट में जो सेंटिमेंटल्स जो मार्केट गिरा था, जो कि स्टॉक्स न्यूज के बेसिस पे, और वो न्यूज का था इलेक्शंस रिजल्ट 2024 का को लेकर के। तो हमने को समझने का प्रयास किया, इसकी जो पीयर्स कंपनी है इसमें एसबीआई का नाम आता है, यूको का बैंक आता है, और पीएसबी का नाम आता है, तो हम धीरे धीरे सब पे स्टडी करेंगे, समझेंगे इसका इसका जो मेन कंपेयर किया जा सकता है वो किया जा सकता है इसको यूको बैंक से, क्योंकि जो सेल्स रिवेन्यू है, सेल्स रिवेन्यू के बेसिस पे देखा जाए तो करीब 54,000 54 करोड़ के आसपास इसका है, यूको के आसपास 58 59 करोड़ के आसपास है, जबकि प्राइस भी आसपास ही करीब 66 से लेकर के 56 के आसपास का प्राइस निकल के आती है, तो ये इसको कंपेयर किया जा सकता है, और दोनों में परफॉर्मेंस लेवल को देखा जा सकता है तो किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी निकल के आती है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसमें लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पे हमने समझा चार्ट में देखो, यहाँ पे एवरेज प्राइस जो भी हमने पहले स्टडी किया था, एवरेज प्राइस हिसाब से 50 डे का एवरेज देखा है, तभी स्टॉक्स ना जो गिरावट में थी वहाँ से थोड़ा सा जंप करने के आसार पे चल रही है, और जंप करती नजर आती है एवरेज प्राइस से ऊपर चलती हुई, क्योंकि एवरेज प्राइस को जैसे कट किया तो यहाँ पे जो बाइंग पोजिशन था वो इंक्रीज होना चालू हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र बैंक के।